गाड़ी में आप अंदर बैठ गए ना, तो एक दफा फिर बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। हेलो एवरीवन, दिस इज अफान अहमद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो हमारे पास मशीन है भाई, वो जर्मन मशीन है और मैं गाड़ी में अंदर बैठा हूँ और फिर मेरा बाहर निकलने का दिल नहीं करा। तो इंटीरियर से स्टार्ट करेंगे। और यार भाई को सपोर्ट करो, चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कॉमेंट में प्लीज़ बता दो कि वीडियो कैसी बनी है, कैसी लग रही है, कौन सी नेक्स्ट गाड़ी होनी चाहिए। तो चलते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते और गाड़ी का आपको रिव्यू देते हैं। ऑडी 4 छल्लों वाली गाड़ी है, तो इसकी क्लास ही अलग है भाई, 4 छल्लों की पहचान ली जाती है ये गाड़ी। और इसके साथ जो है क्या कहते हैं, A3 1.8 DFSI इंजन है इसका, टर्बोचार्ज इंजन कहलाता है। इंजन के स्पेक्स बताएंगे तो आपको बता देंगे। स्टार्ट करते हैं इंटीरियर से। और गाड़ी की चाबी मेरे पास ये है और ये कुछ दिख रही है भाई इस तरह, इमोबिलाइजर की कहलाती है ये। और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। भाई गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम अपने इग्निशन ऑन ही करते हैं कि यहाँ से एक आपकी आ जाती है LCD बाहर। और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, दिखा रहा है स्पीडोमीटर, एनालॉग स्पीडोमीटर है, RPM है। और यहाँ पे इसकी टॉप स्पीड जो आ रही है वो 280 आ रही है। और इसके साथ अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो ये रहे आपके 4 छल्ले, जो कि लोगो है आपका ऑडी का। और यहाँ पे एक एयर बैग भी दिया हुआ है गाड़ी में, टोटल 6 एयर बैग्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स का जो है मेन्यू आ जाता है और यहाँ पे आपका ऑडियो कंट्रोल आ जाता है सारा। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्रूज कंट्रोल है और पैडल शिफ्टर के साथ आपको घेर मिल जाते हैं। ट्रिप्टॉनिक घेर स्पीड है, 6 स्पीड घेर है और ट्रिप्टॉनिक है और पैडल शिफ्टर के साथ मिल जाता है। ये आपका घेर नॉब आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा हसीन है, खूबसूरत है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं गाड़ी के इंटीरियर की, तो नो डाउट बहुत ज़्यादा क्लासी लेदर यूज़ हुआ है गाड़ी के इंटीरियर में। और उसके अलावा यहाँ पे मैं अगर आपको ऑप्शन दिखाऊं अपना डोर खोल के, यहाँ से दिया हुआ हेडलाइट का ऑप्शन है और ये क्या कहते हैं, हेडलाइट एडजस्टेबल है। उसके साथ यहाँ पे भी एक नी पे भी एयरबैग मिला हुआ है, प्लस पे भी एयरबैग मिला हुआ है। और प्लस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे दो ट्विटर मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम डैशबोर्ड की और सेंटर कंसोल की ग्लव कंपार्ट की बात करें, तो ग्लव कंपार्ट में यहाँ पे देखिए सिल्वर क्रोम का वर्क मिलता है और नीचे आपको लाइट मिल जाती है ग्लव कंपार्ट में। अच्छा, एसी विंड्स इसकी देख सकते हैं आप, राउंड में है और ये एक अलग ही अपनी क्लास है, सिग्नेचर स्टाइल है इनका ऑडी का। और उसके अलावा यहाँ पे जो आपको बटन दिए हुए, यहाँ पे हेजल लाइट का बटन दिया हुआ है, ये लेन असिस्ट का बटन दिया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पे रेडियो कंट्रोल्स का बटन है। और नीचे आ जाते हैं तो एसी के बटन, एसी कंट्रोल मिल जाता है आपको, कंप्लीट क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से आपको मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिला हुआ है, ये एक कप होल्डर मिला हुआ है, यहाँ पे एक कप होल्डर मिला हुआ है। ये ऑडी गाड़ी आप जब परचेज करते हैं तो ऑडी का अपना एक कप होल्डर मिल जाता है आपको। एसी नॉब मिली हुई है, यहाँ पे टर्बो चार्ज इंजन है। अच्छा, इसके मोड्स देखेंगे अभी हम। और उसके अलावा यहाँ पे जो मिला हुआ है ये भी आपका साउंड सिस्टम कंट्रोल करने के लिए मिला हुआ है। और यहाँ पे ये एक ऑलमोस्ट 5 से 6 इंच की LCD है, वो मिल जाती है। और यहाँ पे नीचे आपको बेक होल्ड का बटन मिल जाता है, यहाँ से आपका मेन्यू वगैरह ये चेक कर सकते हैं आप, चीज़ें चेक कर सकते हैं, मीडिया का जो भी है यहाँ से कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, यहाँ से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ सेंटर कंट्रोल से। तो ये सारी सेटिंग्स आपकी यहाँ से मिल जाती हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ पे हेडलाइट के साथ देखेंगे तो एक छोटा सा हमें ऑप्शन मिला हुआ है जो कि हमारी मीटर की लाइट कंट्रोल करता है, तो बिल्कुल लाइट बंद कर दिए ये लाइट दे दी गई। सेंटर में MID मिल जाती है आपको मीटर पे और ये आपको सारे ऑप्शन बताती है। अभी जैसे कि डोर खुले में, दो डोर खुले में, तो यहाँ पे ये दो डोर का ऑप्शन बता रही है सेंटर में, आप देख सकते हैं। उसके अलावा फ्यूल टैंक का भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, मीटर में ही आ रहा है। ब्रेक होल्ड का भी ऑप्शन आपको देख सकते हैं, RPM में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं, इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा शेड होल्डर देख सकते हैं, यहाँ पे हमें विनिटी मिरर के साथ एक लाइट मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शनल है सनरूफ, तो इसमें सनरूफ वाली नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन में सनरूफ आता है, यहाँ पे डोर लाइट्स और ये सारी लाइट्स आ जाती हैं। अच्छा, हम ड्राइविंग साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है क्या कहते हैं, चाइल्ड लॉक मिल जाता है ऊपर, और उसके साथ यहाँ पे हमें सारे डोर कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे हमें मिरर कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, लेदर के साथ है, ब्राउन लेदर सीट्स हैं और यहाँ पे लेदर का आपको
फ्लोर पे वर्क मिल जाता है, नीचे आपको स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। सीट्स में आपको अगर गाड़ी की दिखाऊं तो उसमें कंप्लीट लेदर सीट्स हैं और फुली ऑटो सीट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए लंबा सपोर्ट दिया हुआ है आपको और कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है ये जो है। यहाँ से आप एक लुक देख लें गाड़ी के इंटीरियर का और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है गाड़ी का इंटीरियर, नो डाउट। हाँ तो भाई अगर गाड़ी में आप अंदर बैठ गए ना तो एक दफ़ा फिर बाहर निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जर्मन असेंबल है और गाड़ी आपको पता है कैसी है। चलते हैं इसका एक्सटीरियर लुक दिखाता हूँ मैं आपको क्या है इसका एक्सटीरियर। हाँ तो भाई गाड़ी का फ्रंट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है और फ्रंट पे ही आपको सामने पार्किंग सेंसर्स दिख सकते हैं और ये आपका चार छल्लों वाली गाड़ी कहलाती है भाई। ये ऑडी का एक लोगो है और जो कि हर कोई जानता है। उसके अलावा हेडलाइट्स पे आपको LED हेडलाइट्स दी हुई हैं और टर्न सिग्नल भी आपके हेडलाइट और एडजस्टेबल हेडलाइट है और नीचे आपको बम्पर पे देख रहे हैं ब्लैक ग्रिल मिल जाती है और फ्रंट पे आपकी सिग्नेचर स्टाइल ग्रिल मिल जाती है ऑडी की और एक बम्पर पे छोटा सा लिप का डिज़ाइन दे दिया है इन्होंने। उसके अलावा अगर गाड़ी की मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो गाड़ी की साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह है मेरे भाई। अगर हम टायर साइज देखें तो 225-50 का टायर डला हुआ डनलप के टायर हैं और रिम साइज जो है इसका 17 रिम साइज है और ये भी ओरिजिनल लगा हुआ है यहाँ पे, रिम भी जो ओरिजिनल आए हैं इसमें। उसके अलावा अगर हम साइड मिरर की बात करें तो टोटोन दिया हुआ है और यहाँ पे भी आपको टर्न सिग्नल मिला हुआ है। डोर हैंडल्स सेम कलर के हैं, बॉडी कलर के डोर हैंडल्स हैं। उसके अलावा डोर्स पे आप देख सकते हैं ये पूरी एक सिल्वर ट्रिम चल रही है जो कि पूरी गाड़ी चारों डोर इसके कवर कर रही है। उसके अलावा अगर हम आएँ बैक पे गाड़ी की, अगर टेल देखेंगे तो टेल में भी जो है आप ऑडी की जो लाइट देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और रेड लावा के साथ आपको जो है टेल लाइट्स मिली हुई है। TFSI इंजन है इसका, यहाँ पे आपको ऑडी का लोगो मिल जाता है। नीचे बम्पर पे आपको रिवर्स सेंसर्स मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर और डुअल एग्जॉस्ट है। उसके अलावा A3 की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको लोगो मिलता है। अगर हम बूट खोलें बटन दिया हुआ है और यहाँ पे एक स्पेशियस स्पेस मिल जाता है आपको बूट में। इसके अलावा चलते हैं इंजन की तरफ। आप मोस्टली जर्मन कार जब देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको इसका बोनट ओपनर मिलता है, मोस्टली जर्मन कार्स में यहीं पे मिलता है आपको। आप मर्सिडीज देख लें या ऑडी देख लें या और कोई जर्मन मशीन देख लें। हाँ तो भाई बोनट बहुत प्यार से खुलता है, हाइड्रोलिक बोनट है, 1.8 इंजन है और इसका जो फ्यूल सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक के इंजेक्शन फ्यूल सिस्टम है और 1.8 लीटर है गाड़ी पेट्रोल है। TFSI टर्बो चार्ज इसका इंजन है जो कि टॉर्क बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस करता है गाड़ी का, रिस्पांस बहुत एक्टिव है गाड़ी का, जहां आपने एक्सीलेटर दिया और गाड़ी बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्स करती है। ये थी इंजन की डिटेल्स और इसके साथ ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं टॉर्क और हॉर्स पावर इसका क्या प्रोड्यूस करती है, कितने RPM पर गाड़ी प्रोड्यूस करती है। हाँ तो भाई आज की थी ये जर्मन मशीन हमारे पास A3 और ये है 2015 का मॉडल है और 16 की रजिस्ट्रेशन है और इसकी जो डिमांड है वो है 65 लाख रुपए और ये शारा काजीन पे खड़ी हुई है गाड़ी, AW शोरूम पे। सर्विस रोड पे आप मेन रोड पे आएंगे नौरानी से सीधा आएंगे तो शारा काजीन आपके उल्टे हाथ पे जो AW शोरूम है वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो यार प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं गाड़ी कैसी लगी और इसके साथ मुझे दें इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।